guys, good morning all of you. Welcome to this channel Biology Teaching Center. Your educator Dr. Akhileshwar Kumar. पिछले क्लास में हम लोग ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किए थे. आज के क्लास में हम लोग अप्लाइड ब्रांचेज ऑफ बॉटनी एवं स्पेशल ब्रांचेज ऑफ बॉटनी के बारे में चर्चा करेंगे. इसके पहले हम लोग एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस के बारे में जानेंगे. एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस, एस्पेक्ट्स का मतलब होता है पहलू. इसके दो पहलू होते हैं. फर्स्ट फंडामेंटल साइंस. फंडामेंटल साइंस के अंतर्गत हम लोग स्टडी ऑफ नेचर का अध्ययन किया जाता है. स्टडी ऑफ नेचर. सेकंड जो होता है वो अप्लाइड ब्रांच. अप्लाइड अप्लाइड साइंस. इस तरह के साइंस ह्यूमन वेलफेयर से रिलेटेड होता है. रिलेटेड होता है. अब वही अप्लाइड साइंस के बारे में जो हर एक सब्जेक्ट जो साइंस पेपर है उसमें दो ये एस्पेक्ट्स होते हैं. फर्स्ट फंडामेंटल साइंस जिसमें स्टडी ऑफ नेचर, और सेकंड अप्लाइड साइंस होता है जो डायरेक्ट ह्यूमन वेलफेयर से रिलेटेड होता है. तो हर एक सब्जेक्ट में ये दो एस्पेक्ट्स हैं. उसी तरह क्रम में बॉटनी में भी ये दो एस्पेक्ट्स होते हैं जिसमें हम अभी देखेंगे. अप्लाइड ब्रांचेज ऑफ साइंस बॉटनी. अप्लाइड ब्रांचेज ऑफ बॉटनी. फर्स्ट ब्रांच है एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर हिंदी में कृषि कहते हैं. इसके अंतर्गत स्टडी ऑफ क्रॉप प्लांट्स. एग्रीकल्चर एक अप्लाइड ब्रांच ऑफ बॉटनी होता है जिसके अंतर्गत स्टडी ऑफ क्रॉप प्लांट माने फसली पौधों का अध्ययन किया जाता है. अब ये समझ में आ गया है कि अप्लाइड ब्रांच का अर्थ हुआ कि इसके अंतर्गत ग्रासेस का अध्ययन किया जाता है. स्टडी ऑफ ग्रासेस. स्टडी ऑफ ग्रासेस. नेक्स्ट ब्रांच हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर इसे हिंदी में उद्यान विज्ञान भी कहा जाता है. इसके अंतर्गत वेजिटेबल्स फ्रूट्स फ्लावर्स ये सब का अध्ययन किया जाता है. स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. नेक्स्ट ब्रांच
पोमोलॉजी, पोमोलॉजी फल विज्ञान, इसे हिंदी में फल विज्ञान। पोमोलॉजी जो ब्रांच है वो हॉर्टिकल्चर का ही एक भाग होता है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर विच डील्स विथ फ्रूट्स, विथ द फ्रूट्स। पोमोलॉजी हॉर्टिकल्चर का ब्रांच होता है जिसके अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट ब्रांच एंथो, एंथोलॉजी, ये भी हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है जिसके अंतर्गत फ्लावर्स का स्टडी किया जाता है, स्टडी ऑफ फ्लावर्स। तो ये दो जो ब्रांच हुए वो हॉर्टिकल्चर का ही एक भाग होता है। नेक्स्ट ब्रांच सिल्विकल्चर, सिल्विकल्चर के अंतर्गत वनों का अध्ययन एवं उसके यूटिलिटी का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ फॉरेस्ट एंड डियर यूटिलाइजेशन। सिल्विकल्चर के अंतर्गत फॉरेस्ट एवं उसकी उपयोगिता का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट फार्मेकोजेनेसिस, फार्मेकोजेनेसिस का हिंदी औषधि विज्ञान होता है, औषधि विज्ञान। इसके अंतर्गत औषधीय पौधों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ मेडिसिनल वैल्यू प्लांट्स। औषधीय महत्व वाले पौधों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को फार्मेकोजेनेसिस कहा जाता है। ये सब जो ब्रांचेज हुए वो अप्लाइड ब्रांचेज ऑफ बॉटनी। इसके बाद हम देखेंगे स्पेशल ब्रांचेज ऑफ बॉटनी। स्पेशल ब्रांचेज ऑफ बॉटनी विशिष्ट शाखाएं, इसके अंतर्गत हाइपोलॉजी, हाइपोलॉजी एक स्पेशल ब्रांच ऑफ बॉटनी होता है जिसके अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं, स्टडी ऑफ एल्गी। शैवाल को अंग्रेजी में एल्गी बोलते हैं, एल्गी प्लुरल नंबर होता है, सिंगुलर नंबर इसका अलगा बोलते हैं।
जिसके अंतर्गत फार्माकोलॉजी ये इसका ब्रांच है जिसके अंतर्गत स्टडी ऑफ एलर्जी। सेकेंड ब्रांच माइकोलॉजी, इसके अंतर्गत फंगस का अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ फंगी। यहाँ पर फंगी या फंजाई बोलते हैं, जो ये फंजाई प्लूरल नंबर होता है और इसका सिंगुलर फंगस होता है जिसका हिंदी कवक होता है। तो शैवाल और कवक ये दोनों जो है आपका प्लांट किंगडम के अंतर्गत आता है, जिसके अध्ययन के लिए अलग अलग लॉजी होते हैं, जो क्रमशः फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगी होता है। डिटेल में हम जानेंगे कि भाटार एल्गी, भाटार फंजाई ये सब अभी आगे देखेंगे। अभी सिर्फ हम टर्म देख रहे हैं और उसके ब्रांचेज को देख रहे हैं, या उसके अध्ययन करने वाले ब्रांच को देख रहे हैं। ब्रायोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट भी प्लांट किंगडम के अंतर्गत आता है, जिसके अध्ययन करने वाले लॉजी को, विज्ञान को ब्रायोलॉजी कहा जाता है। इससे कंसर्निंग साइंटिस्ट को ब्रायोलॉजिस्ट कहा जाता है। उसी तरह से और जो ऊपर वाले जो लॉजी हैं, माइकोलॉजिस्ट, फाइकोलॉजिस्ट, इसके अध्ययन करने वाले या कंसर्निंग साइंटिस्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट ब्रांच टेरिडोलॉजी, इसका प्रोनाउंसिएशन टेरिडोलॉजी होता है, जहां पर पी साइलेंट, इसके अंतर्गत टेरिडोफाइट्स प्लांट्स का अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट्स भी प्लांट किंगडम के अंतर्गत आता है, जिसे फर्स्ट ट्राइकियोफाइट्स प्लांट्स कहा गया है। मतलब इसका मतलब ये हुआ, ट्राइकियोफाइटा इसे भी कहा जाता है, मतलब फर्स्ट जाइलम एवं फ्लोयम इसी किंगडम में के प्लांट्स में डेवलप्ड हुआ। तो इस तरह से आज के क्लास में हम लोग देखे कि स्पेशल ब्रांचेज ऑफ बॉटनी एवं अप्लाइड ब्रांचेज ऑफ बॉटनी। आज के क्लास में इतना ही शेष, अगले क्लास में अंत में हम आपसे सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आवे तो इसे लाइक करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।